हेलो दोस्तों, आज मैंने मिनी गुलाब जामुन बनाए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। रेसिपी मैंने फुल रेशियो के साथ शेयर की है, तो आप पूरी रेसिपी एंड तक देखेंगे तो आप भी बना पाएंगे। और ये जामुन खाने के बाद आपको मार्केट के भी जामुन अच्छे नहीं लगेंगे। इनको मैंने स्टफ़ भी किया है और इसको बनाने के लिए मार्केट से फ्रेश मावा ले लें। और मावा लेते समय हमें ये ध्यान देना होता है कि वो थोड़ा पीले कलर में हो, या बेसिकली गाय का हो, गाय के दूध का हो, और थोड़ी सी पनीर, साथ में आधी कटोरी मैदा है और शक्कर है 400 ग्राम है। तो सबसे पहले हम शक्कर को चाशनी बनाने के लिए रख देंगे। और एक आप बाउल ले लें और बाउल से ही मेज़र करके पानी और शक्कर रखें। तो एक बड़ी बाउल थी और उससे 1.5 गुना पानी डाल के मैंने चाशनी बनने के लिए रख दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम है। तो अब हम गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। मावा मैंने पीला वाला लिया है, और अगर आपके यहाँ मावा एक ही जैसा आता हो तो कोई भी मावा ले लें। और पनीर है, मावा 400 ग्राम है और पनीर 150 ग्राम है। तो पनीर को मैंने कद्दूकस करके डाला है, इससे आपको मसलने में आसानी रहेगी और लम्स नहीं पड़ेगा पनीर का। तो एक बारीक वाले ग्रेटर से पनीर को कस लें, और अगर पनीर में थोड़ा पानी हो तो उसको टिश्यू पे सुखा लें एक बार, उसके बाद कद्दूकस करें। हाथ की हथेली से हमें इसको मसलना होता है और एकदम स्मूथ करना होता है, साथ में ये हल्का भी हो जाता है। और इसके बाद आधी कटोरी ही मैंने मैदा लिया है, और अगर वजन में देखेंगे तो 150 ग्राम ही मैदा है। और इसको अब हम मसलेंगे थोड़ा थोड़ा, 2 बार में करके मैंने मैदा डाला है और काफ़ी देर इसको मसला है, लगभग 10 मिनट के करीब। और मसलते मसलते ये एकदम हल्का हो गया है। इस टाइम में अब हम इसमें एक चुटकी बस बेकिंग पाउडर डालते हैं, ऐसे आपके गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और साइज़ में भी बढ़ जाते हैं। अच्छे से इसको मसल लें, आप देख सकते हैं ये एकदम चिकना है और हल्का भी हो चुका है। और इसको अब हम रख देंगे। इसके बाद हम मिश्री और इलायची केसर को कूट लेंगे और इसमें थोड़ा सा खाने वाला रंग डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको मिक्स कर लें और थोड़ा सा मावा लेंगे, इसमें हम इलायची केसर को मिला लेंगे। ये हमारी स्टफिंग का काम करेगा। और अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल भी बिना स्टफ किए भी बना सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। हाँ, जो चाशनी उसमें बनाएंगे हम, उसमें इलायची केसर डाल सकते हैं। तो इसको मैंने स्टफ़ किया है और इसकी छोटी छोटी गोली अब बना लेते हैं स्टफ़ करने के लिए। हाथ में थोड़ा सा मावा लेंगे और उसको पहले हम एकदम चिकना और गोल कर लेंगे, हल्के से प्रेस करेंगे और अंदर उसके स्टफिंग रख के वापस से बंद कर देंगे। हाँ, बस हमारी स्टफिंग ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना घी में ये जाके फट जाएगा। और इसी तरह हम भर लेते हैं बाकी जामुन भी। छोटा सा बनाना है साइज़, तो छोटा छोटा ही लोई लें और थोड़ा सा स्टफ करें। ऊपर से बंद करते हुए इसको वापस से गोल कर दें। दूसरे साइड में मैंने देसी घी को गर्म होने के लिए रख दिया है और अभी ज़्यादा नहीं भरेंगे, पहले 1-2 भर के हम घी में चेक करते हैं कि जामुन फट तो नहीं रहे हैं। और उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे। तो चाशनी भी चेक करते हैं, चाशनी रेडी हो गई है। 10 मिनट ही लगा चाशनी को होने में और एक तार की चाशनी अब बिल्कुल रेडी है। इसको बंद कर दें और घी में 1 जामुन को डाल के हम पहले चेक करेंगे कि सही है, फट तो नहीं रहा है। तो फिर हम बाकी के जामुन को भरेंगे और फ्राई करेंगे। नीचे कढ़ाई में थोड़ा सा ये चिपक गया है,
तो इसका टेंशन न लें। ये पहला गुलाब जामुन कभी कभी चिपक जाता है, और घी को हल्के हल्के चलाते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है और फट नहीं रहा है, तो बाकी के जामुन को भी भर लें और फिर फ्राई करें। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और ये ट्रिक है कि आप गुलाब जामुन जब डालें तो घी हल्का हल्का हिलता रहना चाहिए, तो गुलाब जामुन शुरू से ही पकने शुरू हो जाएंगे। और आप इसमें अंदाज से थोड़े से गुलाब जामुन डाल दें, छोटे छोटे थे साइज़ में मैंने 10-12 डाल दिए हैं, और धीरे धीरे इसको हिलाते हुए पकाएंगे। बस एक चिपक गया था तो मैंने इसको हल्के से छुड़ा लिया है, और धीमी आंच पे ही इसको सेकते हुए 5-7 मिनट हो रहा है। अब इसको अगर नहीं कोई पलटा हो तो उसको झड़ने की मदद से पलट लें, और अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक इसको हम पका लेंगे। और ये रेडी है तो इसको हम निकाल लेते हैं, और गरम गरम ये गुलाब जामुन हम गरम चाशनी में ही डालेंगे। तो दूसरी ट्रिक ये है कि चाशनी और इसका गुलाब जामुन का टेम्परेचर दोनों गरम होना चाहिए। सेकंड बैच को भी मैंने इसी तरह फ्राई कर लिया है, और लगातार चलाते हुए गुलाब जामुन को फ्राई कर लें, धीमी आंच पे ही फ्राई करें। और चाशनी अगर आपकी ठंडी हो गई हो तो हल्की सी गरम कर लें, बिल्कुल खौलाएं ना, बस खाली तेज गर्म होनी चाहिए, और ढक के रख दें 10 मिनट के लिए। आपको एक गुलाब जामुन मैं तोड़ के दिखाती हूँ। 10 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से चाशनी पी लिया है, और बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में डालते ही घुल जाएगा, और अंदर से इलायची के असर का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। चाशनी में थोड़ा सा मैंने गुलाब जल भी डाल दिया था, तो गुलाब जामुन रेडी है। और थोड़े से साइज़ में मैंने बड़े बनाए, बाकी मिनी गुलाब जामुन ही हैं। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।